Hey, what's up guys? Welcome to Anything Auto Pro. स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक नए ब्लॉग में। तो आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स आपको दिल्ली का यूज गाड़ियों का स्टॉक दिखाते रहते हैं। तो यार मैंने सोचा कि दिल्ली ही क्यों, उसके आसपास के शहरों में भी तो काफ़ी अच्छी यूज कार्स मिलती हैं। तो आज मैं आया हूँ फरीदाबाद के सबसे बड़े यूज कार्स के डीलर्स के पास। तो आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, ये साई मोटर्स का बोर्ड है। आज मैं यहाँ पर ब्लॉग करने वाला हूँ। तो यहाँ का यूज स्टॉक का गाड़ियों का स्टॉक आपको एक बार मैं दिखाऊँगा, साथ के साथ मैं आपको बताऊँगा इन गाड़ियों की क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या इनमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए। तो यार हमारे साथ जुड़ चुके हैं साई मोटर से एक भैया हैं, क्या नाम है भैया बता दो सबको एक बार। तो विनीत भैया स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, वेलकम टू एवरीथिंग ऑटो प्रो। तो आज की हमारी गाड़ी रहने वाली है गाइस एक फॉक्सवैगन की पोलो है। तो मैं भैया सारी डिटेल्स पूछ के आपको बता देता हूँ गाड़ी के बारे में। तो भैया बता दो किस ईयर का मॉडल रहने वाला है। 2015 मॉडल है। कितनी चली हुई है भैया गाड़ी? 68,000 चली हुई है। जेन्युइन है भैया? जेन्युइन है। सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको भैया, बोल दें सब अवेलेबल है। तो हाईलाइन मॉडल कौन सा मॉडल रहता है, क्या फीचर्स होते हैं? टॉप एंड मॉडल होता है, इसमें एयरबैग्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, प्लस में कीस है, जो विंडोज है। अच्छा, ऊपर और नीचे हो जाती है। तो यार टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट आपको मिल रहा है यहाँ पे फॉक्सवैगन पोलो का। तो इसमें आपको फीचर्स के नाम पे तो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ी मिलेगी। तो इसमें आफ्टर मार्केट भी कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं, साथ के। अच्छा, इसमें जो कंपनी एक्सेसरी देती है सारी एक्सेसरी साथ में आई है, आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं आवाज़ कैसी आती है। तो यार मैं आ चुका हूँ अब कैमरा के पीछे। अब भैया हमारे को गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स देने वाले हैं। तो भैया साथ साथ चलते जाते हैं, हेडलाइट से शुरू करते हैं। कौन सी इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं कि नॉर्मल हैं? प्रोजेक्टर नहीं। तो इसमें गाइस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको नहीं मिलते हैं। इसके नीचे मैं देख पा रहा हूँ फॉग लैम्प तो मिल जाएगा, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट बताया। जैसे कि कलर का नाम क्या रहने वाला है यार, ये कलर कौन सा है? ब्लू। ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ब्लू कलर है बस। ब्लू। ठीक है, तो ब्लू कलर की पोलो आपके सामने यहाँ पे गाइस खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप इसको। 2015 मॉडल जैसे भैया ने बताया मुझे, गाड़ी का वॉक अराउंड दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये अलॉय व्हील्स हैं भैया इसमें, अलॉय व्हील्स हैं। तो एक बार दोबारा बता दो, आवाज़ थोड़ी कम आई है इसमें। इसी वेरिएंट में अलॉय व्हील आते हैं इसमें, इससे नीचे जो एक मॉडल आता है वो कंफर्ट लाइन होता है, उसमें अलॉय व्हील नहीं आते, उसमें व्हील क्या पाते हैं। तो भैया का जैसे कहना है कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें आपको मिलने वाले हैं अलॉय व्हील्स, और जो भी इससे नीचे का मॉडल रहता है उसमें गाइस आपको मिलते थे कवर वाले व्हील्स, यानी कि स्टील रिम्स। तो जैसा कि व्हील्स के बारे में मैंने बता दिया, इसके बाद बात आती है यार पेंट की। काफ़ी शाइनी गाड़ी लग रही है यहाँ पे, बट भैया से पूछ लेते हैं क्या ये पेंट जेन्युइन है? जेन्युइन पेंट है। तो भैया सारा पेंट जेन्युइन है, कुछ भी बाद में तो नहीं हुआ इसमें, कोई डेंट पेंट का काम नहीं है? कोई डेंट पेंट का काम नहीं है। तो यार नॉन एक्सीडेंटल अपनी गाड़ी रहने वाली है यहाँ पे, जो मैं आपको पोलो दिखा रहा हूँ गाइस। तो बाहर का एक बार वॉक अराउंड पूरा मैं आपको गाड़ी का दे देता हूँ। गाड़ी के पीछे चलते हैं हम लोग, पीछे से भी गाड़ी एकदम चमकती हुई नई गाड़ी लग रही है। यहाँ पे पोलो की बैजिंग है, सेंटर में फॉक्सवैगन की ब्रांड की बैजिंग है, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर भी मिलता है इसमें, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, सब कुछ आपको मिलेगा देखने को। तो ब्लू कलर की गाड़ी रहने वाली है यार। ये पार्किंग सेंसर्स दिख रहे हैं मुझे इसमें, पार्किंग सेंसर भी है। तो पार्किंग सेंसर्स भी कंपनी से लगे हुए थे। तो गाइस जो कंपनी से लगे हुए पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं इसमें आपको। तो यार इसके बाद हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो अब देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो भैया एक बार शॉर्ट में बता दो, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, अंदर से कैसे बता पाएगा एक इंसान? ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, स्टीयरिंग कंट्रोल है जी, स्टीरियो का वॉल्यूम आप जी, और स्टीरियो के जो चैनल्स हैं वो यहीं से स्टीयरिंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं जी। एक इसकी खास बात ये है कि इसका स्टीयरिंग का जो डिजाइन है ये मेरे को बहुत पसंद लगता है। तो भैया ने जैसे कहा मैं आपको स्टीयरिंग का डिजाइन साथ के साथ दिखा देता हूं। तो बता रहे थे इसके स्टीयरिंग के डिजाइन के बारे में, वापस से बता दो क्या बताया था। स्टीयरिंग का डिजाइन मेरे को बहुत पसंद है जी। इस तरीके का ये पूरा राउंड नहीं है। हां हां, और अब इसको मारुति भी फॉलो करने लगी है, जैसा कि आप देखेंगे न्यू शेप की स्विफ्ट। हाँ, मैं देखा है नई वाली स्विफ्ट में ये सेम स्टीयरिंग आता है। तो इसको फ्लैट बेड स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। फ्लैट बेड स्टीयरिंग व्हील से गाइस ये हेल्प होती है कि जब आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपको गाड़ी मोड़ने में या काटने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। नीचे चलते हैं, इसके पेडल्स पे मैनुअल गाड़ी रहने वाली है। पेडल्स की कंडीशन देख के काफी सुंदर और नई लग रही है ये गाड़ी, मुझे काफी साफ मेंटेन कर रखी है यार। कितने ओनर रहे हैं इसके प्रीवियसली? फर्स्ट ओनर है सर। तो ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, एक बार देख लेते हैं कितनी चली हुई है। कितनी चली? तो यार अपने हाथ में आ चुकी है इस गाड़ी की चाबी। तो इसके बाद देखते हैं गाड़ी आखिर चली कितनी हुई है। तो चाबी को लगाते हैं इसके अंदर, और तो यार जैसा कि हम देख पा रहे हैं गाड़ी चली है 68,803 किलोमीटर्स।
तो भैया ने वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि रीडिंग बिल्कुल जेन्युइन है, सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा भैया इसका, सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल मिलेगा सर। तो सर्विस रिकॉर्ड पूरा 68,000 किलोमीटर का दे देंगे आपकी, कुछ कमी रहेगी इसमें। हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि इसकी लास्ट सर्विस कितने किलोमीटर पे हुई है। तो सबको, मेरे भाई लोगों को एक बार बता दो कि कैसे पता कर सकते हैं इसका सर्विस रिकॉर्ड। हम इसका सर्विस रिकॉर्ड पता करने के लिए शोरूम में फोन करेंगे या हम फेस टू फेस मिल सकते हैं उनसे। अच्छा, उनसे ये पता कर सकते हैं कि इस कार की लास्ट सर्विस कितने किलोमीटर पर हुई है। तो उसके लिए इसकी कार का नंबर चाहिए होता है, वो सारी अपडेट आपको दे देंगे। तो यार कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास गाड़ी की डिटेल है तो शोरूम वाले, सर्विस सेंटर वाले इनफैक्ट आपको सारी डिटेल दे देंगे, गाड़ी कितनी चली हुई थी, क्या सीन था इस गाड़ी का। तो इसके बाद, जैसे कि बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो अंदर से भैया ने मुझे बताया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इसमें। तो देखिए, एसी जो रहने वाला है बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। क्यों भैया, जैसे घर के एसी में हम टेम्परेचर सेट करते हैं, इसमें भी आप वैसा ही रहने वाला है, और टेम्परेचर हम सेट करके गाड़ी को चला सकते हैं। तो यार जैसा कि देख सकते हैं, इस टाइम पे मैंने इसकी बैटरी ऑन कर दी है, तो एसी का जो क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है वो 22 डिग्री पे अभी सेल्सियस पे सेट है। मतलब अगर मैं इंजन ऑन करूँगा तो ये गाड़ी अंदर का टेम्परेचर अपने आप 22 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो स्टीरियो रहने वाला है, टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट नहीं है। Volkswagen अब शायद टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट देता है पोलो के अंदर, उस टाइम नहीं आता था भैया, 2015 में नहीं आता था। तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी आपको यही स्टीरियो मिलने वाला है, बट गाइज इसमें भी काफी अच्छे फीचर्स हैं। मैं देख पा रहा हूँ ऑक्स लग जाएगा इसमें, इसमें यूएसबी का पोर्ट भी दे रखा है, और एक ये शायद से कार्ड का पोर्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यार स्टीरियो के बाद हम लोग चलते हैं इसके डैश बॉक्स पे। इसमें कितना स्पेस रहने वाला है भैया, ये खोल के दिखाएंगे आपको। काफी अच्छा स्पेस है, ये कूल्ड है कि नहीं है? कूल्ड है। तो गाइस जैसा कि भैया ने बताया, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो बॉक्स भी, ग्लव बॉक्स भी कूल्ड रहने वाला है। आपकी एसी की हवा इसके अंदर आएगी, गर्मियों में आप आराम से इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं जो कि ठंडी रहने वाली है। जैसा कि हमने देखा कि एसी ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, 22 डिग्री पे एसी चलेगा, तो इसमें भी मस्त हवा आने वाली है यार, और बहुत ही बढ़िया जो है ये कूल हो जाएगा। तो गाइस गाड़ी से एक बार मैं फिर से बाहर आ चुका हूँ, आपको सारे दरवाजों की और विंडोज़ की और सब बटन्स की कंडीशन में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM रहने वाला है। ये लॉक और अनलॉक के बटन्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। हैंडल पे क्रोम फिनिश है, और ये क्रोम फिनिश एकदम नए जैसा लग रहा है यार, 4 साल पुरानी गाड़ी कहीं से भी नहीं लग रही है ये। ये आपके पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, और ये भी विंडो का कंट्रोल है। आई एम सरप्राइज्ड कि इसके अंदर की लाइट भी अभी तक वर्किंग है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में मेंटेन की गई है ये गाड़ी। पीछे मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर, तो पीछे का दरवाज़ा मैंने खोला है, यहाँ पे भी आपको पावर विंडो मिलती है, क्रोम फिनिश मिलता है हैंडल पे, क्रोम इस दरवाजे का भी अभी तक जिंदा है, हैंडल काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी स्ट्रांग है। सीट कवर भी लगे हुए मिल रहे हैं इसमें, क्यों भैया? सीट कवर तो नहीं लगे आते कंपनी से? सीट कवर कंपनी से नहीं लगे हुए आते, इसमें बाहर से लगवाए हैं, लेकिन ये गाड़ी के साथ की सीट कवर है, जब गाड़ी परचेज की। जी जी जी, उसी के साथ के सीट कवर हैं। हाँ जी, लेकिन हमारा मेन मोटो ये होता है कि हम गाड़ी को अच्छा मेंटेन रखें, अच्छी गाड़ी कस्टमर को प्रोवाइड करा सकें। जी, और बस दैट्स इट। तो बस इस गाड़ी में आपको सीट कवर भी लगे लगाए मिलते हैं, आपको एक भी पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको बस ये गाड़ी लेनी है और चलानी है, तो गाड़ी लेके आप डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बार आपको बूट स्पेस और दिखा देता हूँ इसका। तो बूट मैंने ओपन कर लिया है, ये चला गया गाड़ी का बूट स्पेस। आप देखिए इस गाड़ी में कितना स्पेस है, आई थिंक इसका लीटर्स का तो एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ, 2 बड़े बैग्स आराम से आप इस गाड़ी में स्टोर कर सकते हैं। तो पीछे का एक बार लुक देख लीजिए, सारे दरवाजे और बूट खुला हुआ है इसका। आई एम सॉरी, बूट्स बोल दिया मैंने। तो बूट खुला हुआ है गाड़ी का, दरवाजे खुले हैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी निखर के आ रही है ये गाड़ी, चमकदार गाड़ी है। अभी तो यार साफ़ भी नहीं की ढंग से, तब भी इतनी चमक रही है, सोचो एक बार अगर इसको वॉश कर दिया तो मज़ा आने वाला है। सेम इस साइड पे भी मैं आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ, सेम क्रोम हैंडल्स हैं, पावर विंडो का बटन है, और सब कुछ अच्छे से मेंटेन्ड है गाड़ी के अंदर। सीट कवर्स लगे हुए हैं, सीट कवर में भी कोई इशू नहीं है गाइस, भैया ने बताया गाड़ी के साथ के सीट कवर्स हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है कवर्स में भी, कहीं से भी काला नहीं पड़ा है ये, और ना ही कहीं से फटने के इसमें निशान आए हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में वेल मेंटेन्ड गाड़ी है। तो भैया सारी बात हमने कर लिया, बस मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी का जो सस्पेंशन और इंजन, मेन चीज़ देखो बॉडी, बॉडी बहुत अच्छी है नो डाउट इसकी, बट जो इंजन रहने वाला है वो कैसा है गाड़ी का? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी है इसका गाड़ी का? जी, सर्विस के अलावा इसमें और कुछ काम के हम, मेरे को नहीं लगता कि कुछ जरूरत। जर्मन गाड़ी है मैं जानता हूँ, इंजन बहुत अच्छा चलता है, बट अभी 70,000 चल चुकी है,
तो इंजन में कोई कंप्लेंट नहीं है भैया की तरफ से? कोई कंप्लेंट नहीं है। और सस्पेंशन का काम कैसे रहने वाला है? सस्पेंशन बिल्कुल ओके है, इसमें कुछ काम नहीं है सस्पेंशन। तो बिल्कुल कोई काम नहीं है, बिल्कुल रेडी टू ड्राइव है भैया, जैसे आप कोट कर दिया रेडी टू ड्राइव है। तो मैकेनिकल वर्क भी जीरो है गाड़ी में, मैंने अंदर का वॉक अराउंड आपको पहले ही दे दिया, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। तो अब आते हैं हम गाड़ी की लास्ट चीज़ पे, जो सारे भाइयों को उत्सुकता होगी जानने की कि गाड़ी की प्राइस क्या रहने वाली है। तो भैया गाड़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यार, वो मैंने अभी तक नहीं दिखाया है, गाड़ी का इंजन। एक बार बोनेट अगर हम खोल के दिखा दें क्या कंडीशन है, कोई लीकेज वीकेज तो नहीं है? और एक बार इसको भी कर लेते हैं हम लोग। यार देखो गाड़ी का बोनेट खुल चुका है, हम लोग जाते हैं इसके पास और देखते हैं इंजन में कोई लीकेज तो नहीं है। लीकेज का कोई सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे पाइप्स जो हैं सब कुछ बिल्कुल एकदम साफ है। बैटरी जो है इसमें आपको एमेरॉन की मिलने वाली है, ग्रीन कलर की बैटरी, आई थिंक एमेरॉन ही होगा ये। और तो यार गाड़ी में कोई भी किसी भी तरह की लीकेज नहीं है, काफ़ी अच्छा इंजन इसका दिख रहा है। यहाँ पे एक स्वास्तिक का साइन बना रखा है, ओनर ने बनाया होगा, काफ़ी अच्छा है, भगवान में मानना चाहिए सब लोगों को, तभी गाड़ी अच्छी चलती है। तो देखिए ये सब गाड़ी की कंडीशन आपके सामने है, बहुत अच्छा इंजन का क्वालिटी है, तो मुझे ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। तो यार सब गाड़ी का वॉक अराउंड मैंने दे दिया है, मैकेनिकली गाड़ी फिट है, अंदर से गाड़ी बहुत साफ है, बट यार लास्ट चीज़ जो रहने वाली है, सब ये जानना चाहते होंगे गाड़ी की प्राइस कितनी है। तो यार गाड़ी की प्राइस के बारे में बात करते हैं भैया, बता दो कितनी प्राइस रहने वाली है? प्राइस है 390,000 रुपये। तो भैया 390 यानी कि 390,000 रुपये दे के गाड़ी आप घर लेके जा सकते हैं। और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यार, सपोज किसी के पास पैसा नहीं है इतना एक साथ देने को, तो फाइनेंस वाइनेंस कराते हैं? फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को। तो कैसा सीन रहता है यार फाइनेंस का, कुछ आइडिया दे दो? उस पे डिपेंड करता है सर, कस्टमर को कितनी नीड है फाइनेंस की, उसके अलावा उसको जो डाउन पेमेंट होती है वो हम कस्टमर से ले लेते हैं, बैंक से फाइनेंस करा देते हैं जी। और DSA कोड है हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कस्टमर को इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई बंदा 1,00,000 रुपए दे तो वो गाड़ी ये घर लेके जा सकता है? बिल्कुल, वो फाइनेंस करा लेगा, बिल्कुल ले जा सकता है। तो गाइस कोई जरूरत नहीं है, 1,00,000 रुपए में पोलो हो सकती है आपकी, प्रोवाइडेड कि आप फाइनेंस कराते हैं और बाकी सारा पैसा EMI पे दे देते हैं। तो बहुत ईजी प्रोसेस रहेगा, कुछ पेपर वर्क के लिए आपके पास आ सकते हैं? यस, तो पेपर वर्क सारा ये लोग करा देंगे, फाइनेंस आप करा के देंगे गाड़ी को आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार विजिट जरूर कीजिए, देखिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है, नहीं भी लेनी तो एक बार आके तो देखो यार, गाड़ी की कंडीशन इतनी अच्छी है कि आप बिना लिए वापस जा ही नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगली गाड़ी के साथ। नेक्स्ट गाड़ी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, ह्यूंडई की एक छोटी गाड़ी है, बट हाँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका था वो भी। तो गाइस बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई गाड़ी एक नई यूज्ड कार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।